सो स्कारलेट विच मेन सेंटर होने वाली है वांडा विजन में, एक ऐसी स्टोरी जो क्लियरली बेस्ड है हाउस ऑफ एम इवेंट पे। सो एग्जैक्टली क्या है ये इवेंट हाउस ऑफ एम, वो आज हम समझने वाले हैं। सो मार्वल स्टूडियोज, एक ऐसा साल 2020 होगा जहां मार्वल ने कुछ भी नहीं रिलीज किया है, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं, लेकिन वांडा विजन हमें देखने को मिलने वाला है दिसंबर में। ये एक ऐसा अच्छी दिलासाजनक बात है, ट्रेलर हमें इंडिकेट करता है कि ये सीरीज इंस्पायर्ड है कॉमिक्स के हाउस ऑफ एम पे। सो कुछ ऐसा हुआ था हाउस ऑफ एम के इवेंट कॉमिक्स में। सब एविडेंस यही सजेस्ट करते हैं कि वांडा सब नर्वस ब्रेकडाउन से जा रही है, इसका वजह से वो क्रिएट कर रही है एक बबल रियलिटी अराउंड द टाउन। ये एक ऐसा सिमिलर हुआ था हाउस ऑफ एम के इवेंट केस में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, हाउस ऑफ एम का इवेंट कॉमिक समझने के लिए हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स का सहारा लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हाउस ऑफ एम कैसे बिल्ड हुआ। सो स्टोरी हाउस ऑफ एम चालू होती है 2004 में, जब मार्वल डिसाइड करता है कि वो अपने सारे कीज राइटर ब्रायन बेंडिस को देगा। सो बेंडिस इंटेंड कर रहा था रीलॉन्च करने को अवेंजर्स को, एंड वो टर्न अप करते हैं एक ऐसी टीम क्रिएट करके ए लिस्ट कैरेक्टर्स के सच एज वुल्वरीन एंड स्पाइडरमैन। उसने रिकॉल करी थी स्टोरीज जॉन ब्रायन के एक, जहाँ पे वांडा रियलिटी मैनिपुलेट करती अपने पावर्स को, जहाँ वो लीव करेगी उसे मेंटली अनस्टेबल करके। एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बिल्डअप करेंगे रिवील करके कि वांडा का माइंड पूरी तरह से फ्रेगमेंटेड हो चुका है, एंड वो ग्रेजुअली इमर्स्ड हो रही है खुद को उन फॉल्स रियलिटीज़ में। एंड वो लैश करती है कि एवेंजर्स को, जब उसे ऐसा लगता है उसके रियलिटी में उसको ऐसा समझ रहा है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि एवेंजर्स उसको थ्रेटन कर रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन्ड हो रही है बाय एवेंजर्स। सो ये वक्त तभी था जब अवेंजर्स डिसअसेंबल्ड हुए थे, और ये स्टोरी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी थी जिसने रीडर्स को सरप्राइज किया, एंड उनके एक्सप्रेशंस बहुत ही गुस्से में थे या फिर कह सकते हैं बहुत ही फ्यूरियस थे। एंड सच्चाई में स्कारलेट विच का मैडनेस एक जस्ट प्लॉट था एवेंजर्स को डिसबैंड करने के लिए, एंड बेंडिस ने अकम्प्लिश किया अपना पर्पस। एंड एक बार जब जेफ लोफ ने उन्हें फ़ोन कॉल पे बात किया और उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैग्नेटो ने क्या किया इसके रिगार्डिंग, और अल्टीमेटली ये क्वेश्चन बना दी हाउस ऑफ एम, जो कि पॉसिबली दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्समैन और एवेंजर्स की स्टोरीज थी ऑफ ऑल टाइम। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कारलेट विच अनलीश करती है हाउस ऑफ एम। सो हाउस ऑफ एम ने शो किया स्कारलेट विच के अनइमेजिनेबल पावर्स। अवेंजर्स डिसेंबल्ड के एंड में मैग्नेटो वांडा को लेके चले जाता है म्यूटेंट आइलैंड पे। सो म्यूटेंट आइलैंड पे वहाँ उसे चार्ल्स जेवियर ट्रीट कर रहे हैं, जहाँ वो अटेम्प्ट करते हैं उसे खुद के फिजिक पावर से मैडनेस को ट्रीट करने के लिए। सो जेवियर असेंबल करते हैं एक मीटिंग। सो चार्ल्स जेवियर्स एक मीटिंग करते हैं एक्समैन और अवेंजर्स के साथ, ताकि वो रोक सके वांडा को, और रोक सके वांडा को कोई भी हार्म करने से अच्छा है उसे रोकना। लेकिन क्विक सिल्वर रेस्क्यू करता है उसके सिस्टर को, एंड उसने प्रॉम्प्ट कर दिया है कि उसे एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए, जहाँ एक नया हर हीरो की एक डीपेस्ट डिज़ायर फुलफिल हो सके। सो ये एक आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इस आइडिया में एक प्रॉब्लम था कि लोगों का डिज़ायर कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। वांडा ने फोकस रखा था अपने सारे रिलेशंस मैग्नेटो के साथ, जो उस वक्त में उसका बाप था। ऐसे तरह हाउस ऑफ एम ने डोमिनेट किया इस न्यू रियलिटी को, जहां म्यूटेंट्स के पास सुप्रीम ग्लोबल पावर्स थी। ये कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग था, क्योंकि इसने अलाउ किया था मार्वल को उनके कैरेक्टर के डीपेस्ट फीलिंग्स डीपेस्ट डिज़ायर्स को जानने के लिए। इस रियलिटी में हमारा स्टीव एज कर रहा था नेचुरली, और हमारा प्यारा पीटर पार्कर था ग्वेन स्टेसी के साथ, और वही कैप्टन मार्वल को माना जा रहा था वर्ल्ड की फेवरेट सुपर हीरो। लेकिन हमारे वांडा के पास इनफ पावर्स थे कि वो कंट्रोल कर सके, और इंट्रोड्यूस करने के लिए एक न्यू रियलिटी और एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, और वो नई कैरेक्टर थी लायला मिनर, एक टीनेजर जिसके पास एबिलिटी थी रिस्टोर करने के लिए मेमोरीज ऑफ सम वर्ल्ड्स के सुपर हीरोज के। स्कारलेट विच ने देन रिस्टोर किया एक नया रियलिटी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फाइनल बैटल में अगेंस्ट मैग्नेटो के फोर्सेस। सो फाइनली वांडा अनलीश करती है उसका सबसे ग्रेटेस्ट कर्स। सो वांडा का सबसे ग्रेटेस्ट कर्स था जो उसने बोला था, वो था नो मोर म्यूटेंट्स, और इससे जो डीपावर्ड हुए थे 90% ऑफ दी वर्ल्ड्स के म्यूटेंट्स एक्सटिंक्ट पे हो जाते हैं, और उसके बाद वांडा भी वैनिश हो जाती है, एंड बहुत साल तक वो वापस नहीं दिखती।
सो अभी ये देखना बहुत फैसिनेटिंग होगा कि कैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अडेप्ट करेगा हाउस ऑफ एम वांडा विजन में एंड मोस्ट लाइकली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। सो सीन ये है कि एमसीयू के पास अभी कोई भी म्यूटेंट्स नहीं है, सो एमसीयू कैसे फॉर्म अप करेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, ये कॉमिक इवेंट देखने के लिए बहुत मजा आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वांडा विजन के लिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर टाइम मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।